नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर अड्डा। जो दोस्त फर्स्ट टाइम चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को प्रॉपर वे में मिलती रहे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ा हुआ हमेशा याद कैसे रखें। इस पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखो, पढ़ाई करना एक अलग चीज है, पढ़ाई करने के बाद वो चीज गेन करके एक आउटपुट देना एग्जाम में, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम होता है तो वो सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन और फेल हो जाते हैं। ऐसा जनरली मैंने भी देखा। जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो लोग 12-12 घंटे तक पता नहीं कैसे पढ़ाई करते थे। मैं तो उस चीज को मानता भी नहीं, आज भी नहीं मानता हूं कि 12 आवर पढ़ना कंटिन्यू वे में इट्स नॉट पॉसिबल। वो 12 घंटे में क्या पढ़ते थे, अगर उनका 10 मिनट का पेपर ले लिया जाए जो 12 घंटे में पढ़े उनको खुद नहीं पता, तो क्या वो कर सकते हैं लाइफ में। तो ऐसी पढ़ाई करना मेरे हिसाब से बेवकूफी बना है। आप 4 घंटे 2 घंटे ही पढ़ो, बट सॉलिड वे में पढ़ो और वो पढ़ा हुआ हमेशा याद कैसे रहे, इस पूरी वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले ना, अगर आप पढ़ने जा रहे हो ना, तो पढ़ने से पहले कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम छोड़कर मत जाओ पढ़ाई करने, कि जब आप पढ़ने जाओ तो हमेशा दिमाग में वही घूमता रहे, करे यार मैं वो काम को छोड़ के आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट काम। स्ट्रेस और टेंशन लेके पढ़ाई कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आपने टेंशन लिया हुआ है तो आप पढ़ने जाओगे तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, और पढ़ाई में नहीं लगेगा तो आप कभी भी उसको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लेके नहीं जा सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपका पढ़ने में मन लगे तभी आप पढ़ो, दिखावे की पढ़ाई बिल्कुल भी मत करो। और पढ़ा हुआ हमेशा याद रखने का एक सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका मेरे हिसाब से है कि जब आप पढ़ने बैठो तो जो याद कर रहे हो रट्टा मत मारो, समझो पहले कि ये पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट में क्या बारीकियां हैं, उन बारीकियों को आप पहले समझो। जब बारीकियों को आप समझ लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाहता है वो क्वेश्चन या आंसर जो आप याद कर रहे हो, और उसको समझ के जब आप दिमाग में बैठाओगे ना तो वो बहुत लॉन्ग टाइम याद रहेगा। एक बार समझ के पहले अपने दिमाग में बैठाओ, उसके बाद उसके कुछ टाइम बाद 2 घंटे 4 घंटे या सुबह में मान लो आपने एक बार बैठा है अपने माइंड में, इवनिंग में एक बार रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद उसी चीज को पेन और कॉपी उठाओ लिखो। लिखने से इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है ना कि वो चीज माइंड में एकदम सही से बैठी रहती है, मतलब कि इतने अच्छे वे में बैठी रहती है कि आपको दोबारा मतलब भूलने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मतलब कि अगर आपको जो पढ़ा हुआ हमेशा याद रखने का ये जो टिप्स मैं बता रहा हूं ना, अगर आपने इसको प्रॉपर वे में फॉलो किया तो इतना ना 100 नहीं 200% आपको काम आएगा। मैंने एक नहीं 10 बंदों पर अप्लाई करके देखा है, और मैंने खुद भी रियलाइज किया कि बहुत सारी ऐसी चीज हम रट्टा मार देते रट ले, लेकिन जो चीजें हम समझ करके और याद समझ के पढ़ते थे और उसको लिख लेते थे वो चीजें बहुत लॉन्ग टर्म होती थी। और एक कंटिन्यूस वे बनाए पढ़ने का, कि जैसे अगर मान लो आप एक चैप्टर आपने याद कर लिया और उसके बाद आपको लगता है कि ये मुझे याद रहेगा, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद उसका फिर रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। पढ़ा हुआ हमेशा याद कर रखने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मैथ में है, मैथ आप समझते हो फिर प्रैक्टिस करते हो, उसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस से कंटिन्यू वे में आप पढ़ाई करोगे तभी जाकर के आपको हर चीज याद रहेगी और प्रॉपर वे में आप एक काम करके अच्छे नंबर ला सकते हो। तो करियर अड्डा चैनल पे मैं आप लोगों से यही हमेशा बताता रहता हूं, हमेशा कुछ ना कुछ नए आइडियाज और नए टिप्स लेकर के आता हूं कि आप लोग सही तरीके से सही वे में काम करें। बहुत सारे लोगों को ये चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ लोग हैं जिनको नहीं अच्छी लगती है, तो वो अपने अपने थॉट है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना थॉट 10 लोगों पे यूज करके ही शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, ताकि वो आप लोगों के साथ पॉजिटिव वे में रहे। यहाँ पे हम कमाने के लिए बस नहीं आए हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों के फीलिंग इमोशन बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है इसलिए चैनल पे हम है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आए होगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।